नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मनोज माकाणी कच्छ मांडवी से लाइव। आज हमारे यहाँ बहुत खुशनुमा वातावरण है, बहुत ठंडी हवा चल रही है और शाम है, सूरज ढल रहा है। तो आज का वीडियो यहीं से, और हमारा आज का टॉपिक है कोरोना। तकरीबन पिछले 1-1.5-2 महीने से हम लोग सब सुन रहे हैं कोरोना, COVID-19 ये सब। तो क्या है ये कोरोना, क्या है ये COVID-19, क्या होता है कोरोना में, उससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, क्यों गवर्नमेंट ने लॉकडाउन किया है, क्यों इकोनॉमी दांव पर लगा कर भी लॉकडाउन किया जा रहा है, बहुत सारे क्यों हैं लेकिन जवाब कुछ नहीं। तो इसी के लिए इस सब क्यों के जवाब आज के हमारे इस वीडियो में। सबसे पहले हम देखते हैं कोरोना। तो कोरोना का मतलब क्या होता है, क्राउन मतलब ताज। तो कोरोना एक वायरस की फैमिली है, वायरस का मतलब क्या होता है कि सूक्ष्म जीव, जो ना तो बहुत सजीव कह सकते हैं ना उसको निर्जीव कह सकते हैं, वो ऐसा जीव है कि जो सजीव के कांटेक्ट में आता है तो वो सजीव की तरह बर्ताव करने लगता है और हमें डिसीज्ड करता है। तो इस वायरस की एक फैमिली है जिसको कोरोना वायरस फैमिली कहा जाता है। और उसको कोरोना क्यों कहा जाता है, क्योंकि वो ताज जैसा होता है। आपने उसकी जो बहुत सारी पेंटिंग वगैरह देखी होंगी तो उसके ऊपर कांटे 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 हैं, तो ये सब ताज जैसे कांटे हैं, इसीलिए इस फैमिली के वायरस इसको कोरोना वायरस फैमिली कहा जाता है। हमारे लिए ये कोरोना वायरस कुछ नया नहीं है, कोरोना वायरस के बहुत सारे रोग पहले भी आ चुके हैं। और ये वायरस कैसा है कि ये वायरस ज़्यादातर एनिमल्स यानी कि मैमल्स, जो सस्तन प्राणी हैं, उनको ही इफेक्ट करता है, ह्यूमंस को अफेक्ट नहीं करता है। लेकिन कई बार ह्यूमन का एनिमल के साथ बहुत कांटेक्ट होता है और कई बार वायरस का म्यूटेशन होता है, उसके कारण यही वायरस ह्यूमन को अफेक्ट करता है। तो इसी तरह ये कोरोना वायरस एक की फैमिली है, और वो उसका जो रोग है, इससे पहले भी बहुत सारे एपिडेमिक आ चुके हैं, उसमें से ये एक नया रोग है, इसीलिए इसको नाम दिया गया है नोवल कोरोना वायरस यानी कि COVID-19। क्या होता है इस रोग में, तो ये रोग है जो इन्फ्लुएंजा के जैसे ही सिम्टम होते हैं, सर्दी, जुखाम, खांसी, न्यूमोनिया, ऐसे सब जो सिम्टम हैं वो इस रोग के, इसके साथ तेज बुखार है, हाई ग्रेड फीवर, और पूरा बदन दर्द करता है, बॉडी एक। और ये जो इन्फ्लुएंजा लाइक ही सिम्टम है, वही COVID-19 में वैसे ही कुछ सिम्टम पाए जाते हैं। कुछ पेशेंट्स में असिम्टोमेटिक पेशेंट्स है, उनमें भी रिपोर्ट पॉजिटिव पाए गए हैं। कहाँ से शुरू हुआ ये, तो कहते हैं कि चीन के वुहान शहर में कुछ ज़्यादा ही दर्दी न्यूमोनिया जैसी बीमारी के साथ पाए गए, और उन सब दर्दियों में कोई भी दवाई कारगर नहीं हो रही थी, और उसके बाद से वहाँ से कोरोना शुरू हुआ, COVID-19। और वो धीरे 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 वहाँ से एक दूसरे सिटी में, वहाँ से दूसरे शहरों में, वहाँ से दूसरे देशों में, इस तरह आज पूरे विश्व में फैल चुका है। और फिर जो विश्व आरोग्य संस्था है WHO, इसने कोरोना को महामारी घोषित किया हुआ है, वैश्विक महामारी। तो इसको हमने सिम्टम तो देखे कि सर्दी, जुखाम, खांसी, बदन दर्द, तेज बुखार, ये सब होता है, ये Stage 1 के सिम्टम है। इसके बाद कैसे होता है कि पेशेंट को आगे न्यूमोनिया डेवलप होता है, सिस्टेमिक फेलर, मल्टी ऑर्गन फेलर और किडनी फेलर, ऐसा कुछ भी हो के पेशेंट डेथ के तरफ जा सकता है। दूसरा कि अब इसकी दवाई क्या है, तो अभी तक ये वायरस हमारे लिए नया है, मतलब हमारे पास इसकी कोई वैक्सीन भी नहीं है और कोई रिसर्च के मुताबिक कोई दवाई भी अभी हमारे के लिए कारगर नहीं हो रही है। तो एक हमारे चिकित्सा विज्ञान का बहुत पुराना वाक्य है, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, मतलब कोई बीमारी आए और उसके बाद आप उस दर्दी को ठीक करें, इससे बढ़िया ये होगा कि वो बीमारी आने ही ना पाए, आप उसे रोक दें। तो हमें यही करना है, हमें कोरोना को आगे बढ़ने से रोकना है। तो हम किस तरह से कोरोना को आगे बढ़ने से रोक सकते हैं, तो हमारी गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे निर्देश दिए हैं, पूरे देश में लॉकडाउन चल रहा है, तो लॉकडाउन के सारे नियमों का पालन करें। नियमों का पालन क्या है कि हमें सोशल डिस्टेंसिंग रखना है, हमें किसी भी ऐसी जगह पे साथ नहीं रहना है, बहुत लोगों को साथ नहीं मिलना है, और इमरजेंसी के सिवा बाहर ही नहीं निकलना है। अगर बाहर निकलते हैं तो भी मुंह पे मास्क लगा के निकलना है, ग्लोव्स पहन के निकलना है, और कम से कम लोगों के हम संपर्क में आए, ऐसा करके जीवन जरूरी चीज़ें हैं या मेडिसिंस हैं, दवाइयां हैं, या और कुछ जिस इमरजेंसी कार्य के लिए हम बाहर निकले हैं, वो कार्य समाप्त करके तुरंत हमें वापस घर की ओर मुड़ जाना है। और बाहर निकलने के अलावा ग्लव्स हैं,
और सैनिटाइजर्स हैं। सैनिटाइजर का मतलब क्या होता है कि आपको हाथ धोना है, क्यों, क्योंकि अगर किसी को कोरोना है और किसी ने एक जगह पे वो हाथ रख दिया, वहाँ पे कोरोना के वायरस आ गए, मैं उसी जगह पे वापस हाथ रखता हूँ तो वो वायरस मेरे हाथ में आ जाते हैं। इसी तरह कोरोना के जो मरीज़ है, उस मरीज़ को क्या होता है कि सर्दी जुकाम है, खांसी है, तो अगर मैं छींकता हूँ, छींका ऐसे छींका, तो वो जो ड्रॉपलेट्स निकले, जो वायरसेस निकले, वो सीधे हवा में फैलेंगे और मेरे आजू बाजू कुछ अंतर तक रह सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं हाथ में छींका तो मेरे हाथ में कोरोना के वायरस आ जाएंगे। तो हाथ को हम अच्छे से अच्छे साबुन या तो सैनिटाइज़र से सैनिटाइज करना है और अपने हाथ को मुंह, आंख, नाक, इनको लगाने से बचना है। इसके अलावा सबसे जो अच्छी बात है वो ये है कि अगर हमें कोई भी मैसेज या कोई माहिती है तो वो सच्ची है कि नहीं, वो पड़ताल करने के बाद ही उसको आगे भेजना है। फेक मैसेजेस, अफवाहें, ये सब ना नहीं फैलाना है, इतना ही बहुत है। दूसरा कि हमारी रोग प्रतिकारक शक्ति अच्छी हो, इसीलिए हमें अच्छी खुराक, अच्छे विचार, क्योंकि हमने बहुत सुना है कि जो खाली मन होता है वो शैतान का घर होता है। इतना करेंगे तो हम ज़रूर कोरोना को हरा पाएंगे। देश जीतेगा, कोरोना हारेगा। थैंक यू। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारा ये वीडियो लाइक करें, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करिए।